54 में ये काम होगा, वैसे 176 विद्यालय। देखो मैडम, आप आओ, उधर 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 चले जाओ बेटा, उधर चले जाओ। क्या क्या बता बेटा, इधर घूम के आरओ प्लांट का आज मथुरा में क्या लोकार्पण किया, क्या कहेंगे इसको? देखिए, हमारी कोशिश है कि जो मेरी विधायक निधि है उसका पूरा मैंने पैसा अपने प्राइमरी स्कूल्स को दिया है, क्योंकि मैं एक प्राइमरी स्कूल में पढ़कर आया और मैं घर से बोरी लेकर जाता था, टाट लेकर जाता था, उस पर हम बैठकर पढ़ते थे। तो मेरी कल्पना है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे आने वाला देश का भविष्य है, वह है पहली क्लास से पाँचवीं क्लास तक जो कहीं ना कहीं फर्नीचर की थोड़ी समस्या रहती थी, तो हमने हर क्लास में बच्चों को फर्नीचर हम लोग लगवाने का काम कर रहे हैं। पीने के पानी की बहुत दिक्कत है, तो हमने आरओ प्लांट हर स्कूल में लगवाने का हमारा प्रयास है। स्कूल की बाउंड्री वॉल ठीक हो, स्कूल में शिक्षा का स्तर बढ़े, और जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था, हम शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को जो पूर्व में उसका स्थान था, क्योंकि पूरे देश में उत्तर प्रदेश का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उच्च कोटि का स्थान था, वह स्थान उत्तर प्रदेश को दोबारा से मिले, इसके लिए हम प्राइमरी एजुकेशन पे ही हमारा पूरा ध्यान है। प्राइमरी स्कूल्स में अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को सभी सुविधाएं मिलें। अब हम पहले चरण में हम आरओ प्लांट और फर्नीचर लगा रहे हैं, दूसरे चरण में हम बाउंड्री वॉल और इनका जो रंग रगाई रंग और पूरा इसका जो क्लीनिंग का काम है वो सब हम लोग करेंगे। तो 176 इस पूरे क्षेत्र में विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और पानी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, बाउंड्री वॉल वहाँ बने, बच्चों को खेलने के लिए झूले वहाँ बने, और समय पर सबको पुस्तकों का वितरण हो, समय पर यूनिफॉर्म मिले, और अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर भी हमारा ध्यान है। तो हम सभी जो अध्यापक हैं स्कूलों को, उनको भी आह्वान कर रहे हैं कि जो भी व्यवस्था है आपके वर्तमान में, जो भी संसाधन हैं, उन पर ही हम फोकस करते हुए अपने बच्चों को क्वालिटी की एजुकेशन दें, जिससे कि हमारा उत्तर प्रदेश का जो पुराना इतिहास रहा है शिक्षा में उच्च स्थान हमको प्राप्त था, वो स्थान हमको प्राप्त हो। कितने लोग, कितने मतलब लोग, जितने आरओ के प्लान का लोकार्पण करना है आज? आज पहले चरण में 9 है और कल फिर 6 कल के लिए हैं, और 54 स्कूल में ये व्यवस्था है। धीरे धीरे जैसे जैसे लगते जाएंगे वैसे वैसे हम इसका लोकार्पण करेंगे, और उस उतने ही स्कूल में फर्नीचर की व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। मंत्री जी, जो दूसरा चरण होगा ना, जो बाकी के जो रेस्ट स्कूल्स हैं उनमें भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर जो बवाल मचा हुआ, जिन्ना की तस्वीर को लेकर, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, इस देश के बंटवारे के दो बड़े गुनाहगार हैं, मोहम्मद अली जिन्ना और फासिस्ट इटली कांग्रेस। देश के बंटवारे के गुनाहगार हैं, और जिन्ना जैसे लोगों के लिए तो इस देश में कहीं कोई जगह नहीं है।